Simple and personal, that no one can be a good secularist unless he's a good atheist. कि कोई बंदा अच्छा सेकुलरिस्ट नहीं हो सकता जब तक के बिल्कुल ही दहरिया ना हो, मुकम्मल दहरिया ना हो। खासतौर सेकुलरिज्म एज सच ये वो आइडिया है जिसने तमाम वैल्यू, जिसने तमाम प्रैक्टिकल वैल्यूज मजहब से ली, ऑनेस्टी मजहब से ली, ड्यूटी वक्त सर अंजाम देना मजहब से, तमाम वो असूल जो बेहतर थे मजहब से ले लिए, मगर तमाम मॉरल लॉज को इग्नोर कर असूल इस जमीन पर मजहब के अलावा किसी भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने मॉरल लॉ नहीं दिया। इखलाकी लॉ देने वाला अव्वल व आखिर मजहब है। ना आज की डेमोक्रेसी ने दिया मजहब लॉ, ना आज के किसी महजब मुल्क ने मॉरल लॉ दिया, ना स्पार्टा और यूनान के किसी महजब मुल्क ने। फॉर 3000 हिस्ट्रीज ऑफ द यूसी सिविलाइजेशंस किसी सिविलाइजेशन ने कोई इखलाकी कानून नहीं दिया। इखलाकी कानून मजहब है, डेमोक्रेसी दे नहीं सकती। खातिर हजरात थोड़ी सी वजह सुनती है, डेमोक्रेसी इसलिए नहीं दे सकती कि एज यू डिफाइन डेमोक्रेसी, Democracy is not the religion of elite. ये पढ़े लिखे और दानश्वर लोगों का मजहब नहीं है। Democracy is a religion of the common people. छोटे ये common people जबिलतों के करीब होते, ये दारा नहीं होते, ये बहुत अकलमंद नहीं होते। सवाल इसके कि अल्लाह के रसूल ने मुसलमानों की अजमा को बरकत दी और फरमाया कि मेरी उम्मत का अजमा कभी गलती नहीं करेगा, मगर जनरली ये बात उन वेस्टर्न सोसाइटीज के आवाम को नहीं की जा सकती। इसलिए कि वो जो भी कमतर मखलूकात, जो भी कम दर्जा जहानती हैं बाकी माशरों में, वो गुनाह सवाब में फर्क नहीं कर सकते, उनको असूली मॉरलिटी से इख्तलाफ। इसलिए सबसे पहले अगर डेमोक्रेसी में जर्ब लगती है तो इखलाकी कवानीन को लगती है। जैसे जहां जहां डेमोक्रेसी है वहां वहां होमोसेक्सुअलिटी है, वहां वहां लिबर्टीज के लॉ है, वहां वहां ये जायदादों के असूल बांटे गए हैं। इस कदर मकरूह किस्म की देगी अगर आज की डेमोक्रेसी कोई नाज कर सकती है तो ये है कि उन्होंने एक मुतलक, एक तरफ गौर कीजिए तो खुदा एक मुआशरे को सिर्फ इसलिए बर्बाद करता, सिर्फ कि तुमने दुनिया और जहान में इस बदकारी को निकाल लिया है जो तुमसे पहले कभी जमीन और आसमान में नहीं थी, और आपके दिमाग कर करके उसको बहुत बड़ी आर्टिस्टिक वैल्यू समझा कर आप सबको पेश कर रहे हैं। इसके अलावा डेमोक्रेसी में क्या है जो आप कबूल करोगे? या फर्ज कीजिए मैं आपसे कहूं कि कोई दानिश्वर मुझे असरे हाजिर का ऐसा ला दीजिए कि जो इस्लाम में कोई ऐसी चीज डाल दे जिससे वो मोतदिल और रोशन ख्याल हो जाए। आपके इल्म में है कि इस्लाम में क्या चीज डालेंगे तो वो मोतदिल और रोशन ख्याल हो जाए? इस्लाम के दो दुश्मन, एक सेकुलर और एक मॉडर्न, इन दो के अलावा इस्लाम का कोई दुश्मन नहीं। इसलिए कि मौलवी हट धर्म में अनपढ़ है, जिस बच्चे ने ना साइंस पढ़नी हो, ना आर्ट पढ़ना हो, ना स्कूल में चल सके, को उसके माँ बाप तंग आकर उसे हिफाज करवा देते हैं और मस्जिद पढ़वा देते हैं। ये तौहीद कुरान पहले कभी नहीं हुई थी, पहले कुरान पढ़ाने, आज भी आप देख लो माँ बाप शौक पूरा करते हैं कुरान हिफाज का, बस वो काम क्यों करते हो? तुमने खुद नहीं किया, लिमा तकूलू ना माना तफलू, तुम वो बात क्यों करते हो जो तुम खुद नहीं करते? आप तो कुरान का सामान नहीं पढ़ सके, अब हसरत बच्चे में पूरी करने चले उसको कुरान हिफ्ज करें। जितना आज कल लिया है कि उठते हुए बच्चे कुरान मजबूरन हिफ्ज तो कर लेते हैं, मगर पहली चीज जो भुलाते हैं वो कुरान। ये कोई इस तरह की जबरी वारदाते हैं जो आप मजहब के नाम पे डालते हो? क्या मजहब इस किस्म की शय है? क्या इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल इंतखाब जो है इतनी अनपढ़ और जाहिलाना रस्म और रवाज में डाला जा सकता है? अगर आज
मौलवी को आप दानिश्वर और वाकई मजहबी जानते होते तो आप उसे जिंदगी के मामलात में दखल देने की इजाजत ना चाह देते, आप तो मरने पे बुलाते हो। उस स्कूल के उन बच्चों का क्या हाल होता होगा जिनको सिर्फ इसलिए कुरान पढ़ाया जा रहा है और वो सिर्फ इस शौक से पढ़ रहे हैं, कोई मर जाएगा तो उसमें चावल के लिए हमें बुलाएंगे, हम कुरान पढ़ेंगे। आज बोला लज्जत कुरान मजो गाशी हाफिज कुरान मजो, गुलाम से लज्जत कुरान मत तलब करो चाहे वो हाफिज कुरान ही क्यों ना हो। ख्वाहिशात के गुलाम को आप कुरान पकड़ा देते हो और आप जो अहलियत जो इल्म रखते थे जो शख्स एमएससी कर सकता है पीएससी कर सकता कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सीख सकता वो क्यों नहीं कुरान को पढ़ता? उसके नजदीक क्या कुरान डेकेडेंट किताब है? 1500 बरस की पस फरसूदा रिवायत काला हाजा असाती मिलावली ये पुरानी रस्मों रिवाज की किताब है? वो किताब जो अव्वल कायनात की खबर देती है जो आखिर कायनात की खबर देती है वह इजा ज़ुलज़िलत अल-अर्ज़ ज़िलज़ालहा वह अख़रजत अल-अर्ज़ अशकालहा वह क़ाल अल-इंसान मा यौमज़िन तुहद्दिस अख़बारा बयान रब्बक अव्वला। जो किताब आपको जिंदगी की हर शोबा हयात की खबर देती है, एक कानून जिसका मुरतब नहीं कर सकता जमीन व आसमान में, कुरान हकीम वो वाहिद किताब है जिसकी एक आयत प्रैक्टिकली चैलेंज नहीं हो सकती। बाइबल हो सकती, जबूर हो सकती, नगमात दाऊद हो सकते, सहाइफ मूसा हो सकते हैं, कुरान की एक आयत नहीं चैलेंज हो सकती। जिसको दम है वो आए, आपको पता नहीं अल्लाह क्या दावा करता है? अल्लाह को आपके इंटेलेक्चुअलिज्म का नहीं पता, आपके स्केप्टिकल फिलॉसफीज का नहीं पता, आपके एग्जिस्टेंशियल आइडियाज का नहीं पता। क्या खुदा को नहीं पता कि मेरे बंदे कहां से कहां पहुंचे और ये शरिया पे कमंद लगाए क्या क्या माकूल और गैर माकूल आइडियाज की स्कंद भरते थे? ये उम्र अय्यार की जंबील है जो आज की अकल है, क्या क्या इस पटारी से नहीं निकलता? खुदा को नहीं पता कि ये अय्यार कहां तक पहुंचे। अकल अय्यार है, सौ भेष बदल लेते हैं। इश्क बेचारा न बुल्ला है न जाहिर न हाकिम। तो खुदावंद करीम को पता था कि ज़हन इंसान तजस्सुस रखता है, उसने तो खुद कहा है कि जो ज़हन तजस्सुस नहीं रखता जो सवाल नहीं रखता वो मेरे नजदीक अल्लाह कहता है इन्ना शरद दवा बिसुम्मुन बुक्मुन लजीन अल्लाह याकिरून कि बदतरीन जानवर वो है जो अंध और बहरों की तरह मेरी आयात में कहता है, जो गौर फिक्र नहीं करता, जो आपको गौर फिक्र के चैलेंज देता है, वो पहली आयत में कहता है, पहली आयत में कहता है तुम जहीन हो, दानिश्वर हो, बालाए फिक्र इंसान हो, रॉकेट बना लिए, मनुष्य से उजाड़ने वाली इस नसब कर ली, ख्याल करते हो कि खुदाई अब तुम्हारी है, तुम ऐसे एक काम कर दो अल्फ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी, तुम्हारे सामने सैकड़ों सफों की किताब है, बड़ा दावा अगर रखते हो इस किताब में कोई शक बाजी का, चलो एक गलती इंसान हजार गलती करे इंसान रहता है, खुदा एक भी गलती करे तो खुदा नहीं करे, क्यों ना उसको चैलेंज करके देखो। रिकॉर्ड मौजूद है, किताब दावा करती है कि मैं खुदा का कलाम हूं, आगे बढ़ो, अल्लाह से निजात हासिल करो, दो चार गलतियां निकालो, आहले हाजर के मुफक्करीन को बुला लो, बुश और ब्लेयर को बुला लो, उसको कहो कुरान में गलती निकाल दे, हम तुझे खुदाए कुदूस समझ लें, जनाब सेकुलरिज्म को बुला जिनको बड़ा दावा है, इनको बुला के कह दी कि एक आदम निकाल दो गलती यार, जान छुटेगी खुदा से बला से। वो इंसान अच्छा बिलीवर नहीं है जो अपने बिलीफ को खाम खा पाबंद या कायम करता, वो
थोड़ी सी सर्मनी भी है, तो 10 मिनट हम इंतजार करते हैं मस्जिद नीचे आउटसाइड प्रवेश करूँ, तो क्योंकि वक्त थोड़ा है उसके हिसाब से जितने भी सवाल के जवाब दिए जा सकेंगे हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हों। बारह पहला सवाल है साहब के अगर हमने अक्ल के जरिए खुदा को पहचानना है तो ये मानना पड़ेगा कि अक्ल नाकिस नहीं है। इसी तरह अगर किसी जमाने के इल्म को सामने रख के कुरान को देखना है तो 16वीं सदी के आलिम के लिए कुरान की मूवमेंट ऑफ हेवनली बॉडीज वाली आयत गलत थी। माजल ऐसी सूरत में सिर्फ अक्ल पे भरोसा क्या खुदा से दूर नहीं ले जाएगा।